सेक्स के बाद पेशाब में जलन होना, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। एक बीमारी है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त क्यों महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। ये जो व्यक्ति मेरे पास में आया, करीब करीब उम्र 46 साल के, 46 ईयर्स, और इनको तकलीफ यह है कि पिछले 6 महीनों से पेशाब की जगह पे उनको जलन होती है। ऐसा अंदरून बहुत ज्यादा जलन हो जाएंगी, फिर जो सामने की टोपी रहती है मतलब ग्लांस पेनिस, उसके ऊपर वहां जलन हो जाएगी, पेशाब को जाएंगे तो फिर वहां अंगार हो जाएंगे, फिर उनको लगता है कि अपनी पेशाब पीली हो रही है, पीले रंग की पेशाब है, फिर सेक्स करते हैं तो बाद में उनको बार बार ऐसा लगता है कि पेशाब को जाना चाहिए, क्यों जलन होती रहती है, फिर उनको इच्छा होती कि नहीं जाना चाहिए मैंने, और हर बार जब सेक्स करते हैं तो फिर ऐसा होता है, इसके वजह से फिर सेक्स की इच्छा कम होती, क्योंकि उसको लगता है कि भाई सेक्स की जो एंजॉयमेंट है, सेक्स की जो मजा है, वो हम 10-15 मिनट करेंगे और बाद में जो तकलीफ होती है 1-2 घंटा होती, तो फिर उसमें फिर उनकी इच्छा भी कम है, तो उनको लिंग में कठोरता भी नहीं आती है, सेक्स करने की इच्छा नहीं है, कठोरता नहीं है, और डर भी लगता है कि नहीं वो होना ही नहीं। फिर ये ऐसा हो गया तो फिर वाइफ की डिमांड रहती है कि क्या आप बिल्कुल ही सेक्स करते नहीं है, तो फिर उसकी डिमांड करके करना पड़ता है, और नहीं किया तो फिर झगड़ा झंझट, वाइफ की चिड़चिड़ापन, ये हो जाता है, फिर वाइफ उनके ऊपर डाउट करने लगी कि भाई आप घर में करते नहीं क्या, बाहर जा रहे, तो ऐसा ही ये इनका चालू है। तो उन्होंने काफ़ी लोगों को बताया, एंटीबायोटिक्स लिया, हाई एंटीबायोटिक्स लिया कि भाई इन्फेक्शन होगा अंदर, मगर वो इन्फेक्शन जो है वो नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, मतलब जो भी कुछ होगी बीमारी वो ठीक नहीं हो रही, इसलिए उन्होंने मुझे संपर्क किया। क्या होता है कि स्पेशली आदमी का मतलब पुरुष का, जब सेक्स के बाद में जब आप पेशाब को जाते हो तो क्या होता है, जब सेक्स के समय जो वीर्य है वो एक नली से बाहर आता है, तो उस समय पेशाब की जो थैली है वहां से जो पेशाब निकलती है उसका मुंह बंद हो जाता और इसको रास्ता दिया जाता है, बाहर आता। अभी क्या होता है कि सेक्स के तुरंत बाद यदि आप पेशाब को गए तो कभी कभी ये जो मुंह है पेशाब के थैली का, वो जो खुला है, वहां से वीर्य कभी कभी पेशाब के थैली की तरफ जा सकता है, और वो यदि पेशाब के थैली की तरफ गया तो पेशाब के थैली में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए हम हरदम ये बोलते हैं कि सेक्स करने के बाद में आदमियों ने, पुरुष ने सेक्स के बाद में पेशाब को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन होने का चांस है। अभी ये व्यक्ति जो है उनको क्रॉनिक इन्फेक्शन हुआ, अभी उनको मैंने बताया कि वो आप ऐसा करो कि आप यूरिन टेस्ट करो और सेंसिटिविटी टेस्ट करो कि कौन से एंटीबायोटिक दे के आपको फायदा हो जाएगा, जो आपने रूटीन लिया है एंटीबायोटिक उससे फायदा नहीं हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि अभी ये जो इन्फेक्शन है, ये जो बैक्टीरिया है, अभी ये कौन से एंटीबायोटिक को सेंसिटाइज होंगे, तो वो टेस्ट करो, बाद में वन एंटीबायोटिक देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो हमने फिर टेस्ट किया, सेंसिटिविटी टेस्ट किया, वहां से हमको मालूम पड़ी कि ये अपन ने एंटीबायोटिक दिया तो उसके जरिए फायदा हो जाएगा, वो ठीक हो गए। तो आदमी ने हरदम ये रखना चाहिए, पुरुष वर्ग ने, कि भाई सेक्स के बाद में पेशाब को जाने का नहीं है। स्त्री के बारे में उल्टा है, स्त्री ने सेक्स के बाद में पेशाब को जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेशाब को जाएंगी तो जो कुछ वीर्य पेशाब के थैली की तरफ गया होगा तो पेशाब करेंगे तो निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो स्त्री के इसमें उल्टा है कि उन्होंने जाना चाहिए, और पुरुष के इसमें ऐसा है कि उन्होंने नहीं जाना चाहिए। तो ये दोनों हम देखते हैं, पालन करते हैं, तो इस तरह का प्रॉब्लम इन्फेक्शन का होगा नहीं। हमारा जो मकसद है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। ये वीडियो आप लोगों को शेयर करो ताकि लोगों की जो बीमारियां हैं, समस्याएं ठीक हो जाएंगी और लोग अच्छा जीवन जी पाएंगे। आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे केळकर हॉस्पिटल में टीम ऑफ साइकियाट्रिस्ट है, आप उनसे संपर्क करके आपके प्रॉब्लम का जवाब ले सकते हैं। हमारा ऐप है, वो आप फ्री ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी समस्या उसके आप जवाब हमसे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।